पाठ दो, कश्मीरी सेब। बाजार से कुछ भी खरीदते समय सतर्क रहना बेहद जरूरी है। हमारी असावधानी सामने वाले को धोखा देने के लिए प्रेरित करती है। यदि हम जागो ग्राहक जागो वाली जागरूकता को अपनाएंगे तो सामने वाले को बेईमानी का अवसर नहीं मिलेगा तथा हम भी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं खरीद सकेंगे। सुकरात ने भी कहा है, यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। कल शाम को चौक में दो चार जरूरी चीजें खरीदने लगा था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटर को पहले कोई मुफ्त में भी ना पूछता था, अब टमाटर भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टर की जरूरत ना रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम निबोरी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बंबई के अल्फांसो की बात दूसरी है। उनकी टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है, मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं है तो काफी है या नहीं है, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की रिसर्च देखने में नहीं आई। सेब को यह विशेषता मिल चुकी है कि अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा शेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, आधा शेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना। नौकर चार सेब लाया, दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांध कर मुझे दे दिया। मैंने चार आने उसके हाथ में रखे, घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो वह सड़ा हुआ था, एक रुपए के आकार का छिलका गल गया था। समझा, रात को दुकानदार ने देखा ना होगा, दूसरा निकाला, मगर वह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, वह सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वह यों तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे दिखाई दिए जैसे कि सड़े बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। चार आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाएं, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है।
पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने, कचहरी या म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यूं टोल में चाहे छटांक आध छटांक कम कर लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 का नोट दे आते थे तो आपको घबराने की कोई जरूरत न थी। आपके रुपए सुरक्षित थे, मुझे याद है। एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोमचे वाले से एक पैसे की रेवड़ियां ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोमचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त भाव से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। यहां कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें बंद न कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे।